जारा एक ऐसा ब्रांड है जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने दो अपने इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जारा से रिलेटेड। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, और जब भी फ्यूचर में कुछ खरीदने जा रहे हैं जारा से, तो इन सब चीजों का ध्यान दें। आज से 4 महीने पहले मैंने जारा से दो आर्टिकल्स खरीदे, एक तो था पैंट और दूसरा था टॉप। उसके बाद जब फाइनल बिलिंग का टाइम आया तो मैंने अपना कार्ड दे दिया उनको, और उन्होंने पेमेंट लेकर के मुझे बैग पकड़ा दिया और अपना कार्ड पकड़ा दिया, और मैं चल जाने लग गई। अभी मैं जारा से बाहर निकलने में अभी थोड़े से स्टेप्स थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपना बिल चेक कर लेना चाहिए और मुझे अपना आर्टिकल्स भी चेक कर लेने चाहिए। तो मैंने साइड में रोक करके मैं चेक कर रही थी, तो मैंने बिल में देखा कि जो जारा ने अमाउंट काटा था वो 3 चीजों का अमाउंट काटा था, उस पर 3 चीजें दिखा रही थी, जबकि मैंने तो 2 ही चीजें खरीदी थी। और फिर जब मैंने अपना बैग चेक किया तो उसके अंदर भी दो दो ही था, एक पैंट और एक टॉप। जाती हूँ कैश काउंटर में, और जाकर के जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं आपने तो 3 चीजें ही ली हैं। तो मैंने उनको बैग, अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली, अगर मैं स्टेप आउट कर लेती जारा से और वापस आकर के उनको अपनी कंप्लेंट बताती तो वो इस बात का भरोसा नहीं करते। तो उन्होंने काफी चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि उन्होंने जो टॉप मुझे दिया था, जो मैंने खरीदा था, उसकी डबल एंट्री करी थी और उसके डबल पैसे काटे थे। आज से 4 महीने हो गए मैं उनके पीछे लगी हुई हूँ, लेकिन कि उन लोगों का एक ही जवाब होता है कि अभी हम फॉलो अप कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि फॉलो अप कर रहे हैं तो गलती तो उनके एंड से हुई है और उसी वक्त हुई है, तब भी उनसे कुछ नहीं हुआ गया। और अब तो हद हो गई कि मैंने एक ऑर्डर अभी रिसेंटली शूज का ऑर्डर किया, और शूज जब मेरे पास आए तो मैंने जो कुरियर गाया था जारा का उसको पूरे पैसे दे दिए, 5,240 रुपीज, और उसके बाद शूज उसने मुझे दे दिए। जब मैंने शूज खोल करके देखे तो उस शूज को ट्राई करने पे बहुत मुश्किल हुई, यानी कि वो बिल्कुल बेकार शूज थे। मैंने 7 दिन तक वेट किया, क्योंकि इनका पॉलिसी में होता है कि 7 दिन के बाद वापस कर सकते हैं उसको। तो मैं उसको स्टोर में लेकर के गई और जाकर के मैंने उनको दिया कि ये शूज में प्रॉब्लम है, मैंने अपना रिफंड मांगा। उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और उसके बाद मेरे को एक स्लिप पकड़ा दी, रिफंड स्लिप। ये स्लिप पकड़ाने के बाद मैं खड़ी रही हूं, मुझे लगा कि मेरा कैश वापस हो जाएगा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कैश तो वापस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कैश आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सिस्टम में। तो मैंने कहा जब कैश नहीं दे रहे हो आप, मैंने और आप स्लिप पकड़ा करके सामान भी मुझसे ले रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तो आपको कस्टमर केयर को बात करनी होगी और उससे बात करिए, उनको अपना बताएं, और फिर वो देखते हैं कि आपको अकाउंट नंबर मांगेंगे और आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। मैंने फिर कस्टमर केयर से बात की तो पता चला कि जो कोरियर वाला आया था उसने अभी तक पैसे वहां पे पहुंचाए नहीं है जारा में। अगर आप लोग बिल चेक नहीं करते हैं तो आप चेक करें बिल को, और दूसरा अगर आप कोई ऑनलाइन अगर कुछ सामान मंगाते हैं तो उसको जब अगर वापस कर रहे हैं और अपना कैश वापस ले रहे हैं, लेने से पहले आप उनसे ये पूछो कि क्या कैश वापस मिलेगा। अगर वो मना कर देंगे कि कैश नहीं, तो आप अपना सामान तो वापस ले लो, ताकि आप उसको चाहे वो कैसा भी है आपको कल को ये तो नहीं लगेगा कि आपके पैसे डूब गए हैं। और अब तो मैं बस वही अपडेट और स्टेटस मांगते मांगते थक चुकी हूँ, और अब मेरा हाल वही हो गया है, मुन्ना भाई लगे रहो। इतने सब कुछ बता दिया कि जो जो प्रॉब्लम मुझे जारा से आई है, और बस अब मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ, थैंक यू सो मच, नमस्ते।